हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर राजीवा गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटीज़ आई हैव माय क्लिनिक एट गैलेरिया मार्केट गुड़गांव एंड आई एम आल्सो अटैच्ड विद सी के बिरला हॉस्पिटल दिल्ली पंजाबी बाग एंड सी के बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन विषय के ऊपर मगर बहुत भयावना जो एकदम से फीलिंग्स लाता है वो है छाती में तनाव या चेस्ट टाइटनेस अब ये देखा गया है कि जैसे कोई सुनता है या महसूस करता है चेस्ट के अंदर टाइटनेस या दबाव या पेन तो पहला ध्यान जाता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है तो ये बात सही है कि चेस्ट हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस है मगर दूसरी तरफ हर इंसान जिसको चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम ही हो रही हो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न्स फॉर पेशेंट्स विद चेस्ट पेन आर नॉन कार्डियक लेकिन चूँकि दारो मदार इतना ज़्यादा है तो कभी भी इस तरह की सिम्टम हो रहा हो इस तरह का लक्षण हो रहा हो तो ये हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि हम कम से कम उसका मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं और फर्दर कितने इन्वेस्टिगेशन कराने हैं ये हमारे जो केयर गिवर हैं हमारे जो डॉक्टर हैं वो इस बात का फैसला करेंगे तो ये देखा गया है कि जो चेस्ट पेन है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कई लोग उसको कई तरीके से कहते हैं चेस्ट में दबाव हो रहा है प्रेशर हो रहा है भारीपन लग रहा है जकड़न हो रही है तो कई तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है हमें ये देखना है कि कोई पेशेंट खुद सोचे या डॉक्टर देखे कि, कि कितनी इमरजेंसी है वो उसको क्या हॉस्पिटल रश करना है यस अगर हमें लगता है कि डॉक्टर को लगता है कि अगर चांसेस ज़्यादा हैं उसके कार्डियक पेन होने की यानी कि हार्ट से रिलेटेड होने के वो आ, हो सकते हैं वो पेशेंट्स जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है जिनको रिस्क फैक्टर्स हों कार्डियक डिजीज़ के जैसे कि स्मोकिंग डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी होना इस तरह के फीचर्स हैं या पहले कभी कोई कार्डिक प्रॉब्लम रह चुकी हो या फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो कार्डिक प्रॉब्लम्स की तो ये सब जो लोग हैं इनके अंदर अगर चेस्ट पेन होता है तो चांसेस उस चीज़ के कार्डिक होने के बढ़ जाते हैं हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये वही निकलेगा ये निष्कर्ष एग्जामिनेशन और टेस्टों के बाद ही निकलेगा दूसरा इम्पॉर्टेंट या कॉमन कारण है एसिड रिफ्लक्स या जिसको एसिडिटी आम भाषा में लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई या बदहजमी हो गई उसमें छाती में जलन होती है और कई बार वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है इस तरह के सिम्टम रह सकते हैं और तीसरा है मस्कुलर पेन मस्कुलर पेन होता है जो कि एक साइड पर होता है और दबाने पर वहाँ पर उसमें दर्द बढ़ जाता है तो ये आम कारण है कुछ कारण सीरियस होते हैं कुछ नहीं होते हैं लेकिन इसका डिसीजन हमेशा डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ना चाहिए और भी कई कारण होते हैं तो ये तो कॉमन कारण हो गए लेकिन और भी कारण होते हैं अगर हम चेस्ट को देखें तो बाहर से अंदर तक जाएं तो बाहर हमारी स्किन होती है उसके अंदर मांसपेशियाँ होती हैं उसके अंदर हड्डियाँ होती हैं रिब्स जिनको कहते हैं फिर हमारे लंग्स होते हैं हार्ट होता है हार्ट के ऊपर कवरिंग्स होते हैं हार्ट की मसल्स होती हैं तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है फॉर एग्जांपल मस्कुलर पेन हमने जैसे बताया कि मस्कुलर पे केवल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है या किसी एक्ज्रशन की वजह से हो जाता है और या अगर अंदर जाए तो जो लंग्स हैं लंग्स में निमोनिया हो सकता है लंग्स की आर्ट्री ब्लॉक हो सकती हैं हार्ट uh, के अंदर हार्ट की कवरिंग्स होती हैं उसमें पेरिकार्डाइटिस कहते हैं उसको वो हो सकता है या मायोकार्डाइटिस हो सकता है या खून का दौरा रुक जाए तो हार्ट अटैक या एंजाइना हो सकता है तो एंजाइना को मतलब कॉमन चीज़ है हार्ट की एंजाइना जो पेन डिस्कम्फर्ट है वो ज़्यादातर खाने के बाद या फिर चलने पर होता है मेनली सेंटर में होता है और कई बार शिफ्ट होता है हमारे अपर जॉ तक दांतों तक शोल्डर्स में बैक में और एकदम से तेज नहीं होता धीरे धीरे करके बढ़ता है और अगर कोई दवाई दे फिर जाके ये सेटल होता है अगर यही चीज़ लंबी रहे प्रोलॉन्ग रहे मोर देन थर्टी मिनट्स देन चांसेस हो जाते हैं कि कहीं हार्ट अटैक ना हो मायाकॉडल इन्फॉक्शन ना हो ये दोनों चीज़ें सीरियस हैं और इनका फर्दर इवेल्यूशन होना चाहिए तो हमने देखा कि हमारा कोई पेशेंट है या किसी को लगता है तो क्या करें तो बेस्ट है कि अगर पहली बार उसका एपिसोड है और अगर रिस्क फैक्टर्स हैं चल रहा है अनइजीनेस है सांस में कोई दिक्कत हो रही है अगर घर पे ब्लड प्रेशर की मशीन है ब्लड प्रेशर चेक करें कम या ज्यादा तो नहीं है पल्स रेट कम या ज़्यादा तो नहीं है आजकल तो सब लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन मीटर भी रखते हैं उससे चेक करें ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं है तो कुछ भी इनमें से हो जरा सा भी उसमें इसमें कुछ भी अगर डेविएशन हो रहा हो तो एट वंस द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू कॉल एन एम्बुलेंस सो दैट द पैरा द डॉक्टर्स हु कम विद द एम्बुलेंस और द पैरामेडिकल स्टाफ दे कम विद द एम्बुलेंस दे कैन डू ए डू एन ई सी जी एंड मेक एट रफली एक डायग्नोसिस बन सकता है हालांकि कन्फर्मेशन ज़्यादातर हॉस्पिटल जाकर ही होता है तो ये तो है जहाँ पर सीरियस है अदरवाइज़ हम जा सकते हैं डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं तो इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंड करता है कि क्या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कार्डियक के लिए बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ई है ब्लड टेस्ट्स हैं जिनको ट्रोपनिन्स कहते हैं और एकोकार्डियोग्राम है तो ये सब चीज़ें प्लस डॉक्टर जो हिस्ट्री लेता है ये सब कंबाइन करके डॉक्टर एक ओपिनियन बनाता है कि यस ये कार्ड पेन है एंजाइना का पेन है जो कि हार्ट की आर्टरीज के ब्लॉक होने से हो जाता है फिर वो सजेस्ट करते हैं कि आगे कुछ प्रोसीजर करना है कि नहीं करना है जिसमें कि एनजियोग्राफी शामिल होती है और उसके बाद अगर होता है एनजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी या केवल दवाइयाँ या अगर लगता है कि कुछ नहीं है तो खाली लाइफ मैनेजमेंट हो और अगर सब नॉर्मल निकलता है तो पॉसिबिलिटी है कि और कोई कारण हो पेन का मस्कुलर पेन हो या बदहज़मी का या इंडाइजेशन का पेन हो एक्सरे रे चेस्ट करने से हमें काफ़ी चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी लेकिन निमोनिया तो नहीं है उसके अंदर और सीरियस चीज़ें होती हैं जिनमें कि ब्लड क्लाट आर्टरीज में हो जाता है वो एक्सरे से इसी इको से ई जी से प्लस और फर्दर टेस्टिंग होती है जिसको सी टी स्कैन कहते हैं सिटी पलमनरी एनजोग्राफी उससे क्लियर हो जाता है तो बेसिकली देखना यह है कि चेस्ट पेन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ये जानते हुए भी कि मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स दी डू नॉट हैव ए कार्डिक प्रॉब्लम बट स्टिल दे कैन हैव एक बात तो ये और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर कार्डिक पेन में चेस्ट पेन का होना जरूरी है मैनी टाइम्स इट हैपन्स विच इज़ कॉल्ड अ पेनलेस स्कीमिया यानी कि खाली थोड़ा सा साँस चढ़ा या थोड़ी सी बेचैनी हुई और ये देखा गया है यूजली यंगर uh, लोगों में या बहुत ज़्यादा जो जो सीनियर लोग हैं उनमें हो सकता है या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ उनमें इस तरह की पेनलेस कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं So suspicions, zada chahiye. There is no harm in consulting a doctor and getting the relevant investigations done and ruling it out and be at peace. So this is, uh, in summary, I mean, uh, what, how we should, we should approach a patient with chest pain. And in the community also, we have to be alert, seek medical attention, let the decision of seriousness lie upon the our doctors and the healthcare providers, and take appropriate action. All said and done. चाहे कुछ भी कारण हो एक अच्छे लाइफ का मैंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमें एक डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए मेंटल स्ट्रेस को जितना कम से कम हम अपने पर हावी होने दें वो हमें कोशिश करनी चाहिए योगा मेडिटेशन हेल्दी डाइट वज़न बढ़ने नहीं देना चाहिए हैबिट्स को ठीक रखें स्मोकिंग अवॉइड करें ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डिक प्रॉब्लम्स थैंक यू अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप लाइब्रेरी पर ये क्वाइरी डाल सकते हैं एंड दे विल डायरेक्ट द्वेयरी टू मी Thank you.